फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के वीडियोस आपने भी देखे होंगे जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी वाइफ ने स्टेज 4 के कैंसर को मात दी है और देसी नुस्खों की मदद से वो जल्दी ठीक हो पाई और कैंसर फ्री हो पाई। देखिए अब नवजोत सिंह सिद्धू के इन दावों पर जो कि देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उनके 200 डॉक्टरों ने एक अपील की है लोगों से और कहा है कि इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि देसी नुस्खों से कैंसर फ्री कोई हो सकता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इस पर रिसर्च जारी है और लोगों से कहा है कि अगर लक्षण दिखता है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं और इस तरह के दावों को वो सच ना माने। अब देखिए समझना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा था कि उनकी वाइफ ने पूरा ट्रीटमेंट लिया है, पूरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, उनके ऑपरेशन हुए जिसका जिक्र उन्होंने किया और डॉक्टर को वो लगातार दिखाते रहे। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल किया है, मसलन कच्ची हल्दी, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं उन्होंने कहा, नींबू, आंवला और पेठे का जूस, किनुआ, उन्होंने बहुत डाइट बताया कि उस डाइट का भी सहयोग रहा, उस डाइट के सहयोग से उनकी वाइफ ने स्टेज 4 के कैंसर को मात दी जिसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी शामिल था। तो कृपया करके लोग ये ना सोचें कि सिर्फ देसी नुस्खों से उनकी वाइफ ठीक हो गई है, उसके साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया गया है, क्योंकि कई लोग इसको इस तरह से मान रहे हैं कि देसी नुस्खों से उनकी वाइफ ठीक हो गई है, इसी की बात का जिक्र डॉक्टर्स भी कर रहे हैं।